आसनों का अभ्यास करते समय आंखें खुली रहनी चाहिए या बंद रहनी चाहिए? तो यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा कोई कठोर या सख्त नियम नहीं है कि आंखें खुली ही रहनी चाहिए या आंखें बंद ही रहनी चाहिए। और ये बात केवल आसनों के लिए की जा रही है, प्राणायाम के लिए नहीं की जा रही, क्योंकि प्राणायाम का अलग नियम है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। यह केवल आसन की ही बात की जा रही है या व्यायाम की बात की जा रही है। तो जब आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। आंखें खुली रखने में जब आप आंखें खोलकर अभ्यास करते हैं तो आपका बैलेंस ज़्यादा अच्छे से बन जाता है, चाहे आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं। और विशेष करके जब खड़े होकर अभ्यास कर रहे हैं तब तो आपको आंखें खुली ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आसन को छोड़कर यदि हम वैसे भी सीधे खड़े हो जाएं आंख बंद करके, तो सीधे खड़े रहना संतुलन बना के कुछ हद तक कठिन हो जाता है, शरीर हमारा झूलते रहता है। तो खड़े होकर आसन करने में तो आंखें आपको खोलनी ही पड़ेंगी। कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों का संयम या मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, और बैठकर लेटकर पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर जब अभ्यास कर रहे हैं तो जब आप आंखें खोलकर अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप अभ्यास कर पाते हैं। और यदि आप आंखें बंद कर लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी मांसपेशियों के साथ जुड़ पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है, आपको लाभ ही रहेगा आंखें बंद करके करें या खोलकर करें। जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से सहूलियत मालूम हो वो करें। तो दोनों चीज़ें आपको बता दी गई। खोलकर जब हम अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में जिस आसन में हमें आना है वो हम ज़्यादा अच्छे से आ पाते हैं, और जब आँख बंद करके करेंगे तो आप अपनी मांसपेशियों के ऊपर, शरीर के ऊपर और सांसों के ऊपर ध्यान अच्छे से केंद्रित कर पाएंगे। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से अभ्यास करने में आपको ज़्यादा लाभ, ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा सहजता मालूम हो रही है, उस प्रकार से आप अभ्यास को कर सकते हैं।